I get up. Time is barely on our side. सो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है शामीम और आप सभी का स्वागत है स्टेडेड यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप सेम प्रीव्यू का जैसा वीडियो आप अपना काइन मास्टर पर बना सकते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड गाइस, तो गाइस चलिए वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, काइन मास्टर को ओपन करके प्लस आइकन पर क्लिक करके 16:9 रेशियो पर क्लिक करना है और आप जिस भी वीडियो के अंदर इफेक्ट डालना चाहते हो उस वीडियो को आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ना गाइस, आप वीडियो को कुछ इस तरीके से प्ले कीजिए और आपका जो इनिमी वाला पार्ट है ना गाइस, इनिमी वाला पार्ट जहाँ पर आता है उस जगह पर जाइए। इनिमी वाला गाइस, इनिमी जहाँ पर तुरंत निकलता है, यहाँ पर मेरा इनिमी निकल रहा है तो यहाँ पर मैं एक बुकमार्क ऐड कर लेना है, आपको भी बुकमार्क ऐड कर लेना है। उसके बाद आपका जो ये इनिमी है ना गाइस, इनिमी वाला पार्ट जहाँ तक रहता है वहाँ तक आपको ये जो बुकमार्क है ना वहाँ पर जा करके ऐड कर लेना है। एक और बुकमार्क ऐड कर लेने के बाद ना गाइस, आप इसे कुछ इस तरीके से बड़ा कर लीजिए। बड़ा कर लेने के बाद गाइस, आपका जो बुकमार्क है वहाँ पर जाइए, बुकमार्क पर जाइए। जाकर के गाइस आप लेयर पर क्लिक कीजिए और इफेक्ट पर आप क्लिक कीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके आपको नियन इफेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपका जो सेकंड वाला नियॉन इफेक्ट है ना, नियॉन एज जूम, उसे सिलेक्ट कर लेना। गाइस देखो, यहाँ पर आपको ये जो नियॉन इफेक्ट है ये आपको काइन मास्टर एज ए रजिस्टर पर मिल जाता है। गाइस अगर आपको काइन मास्टर एज ए रजिस्टर पर नहीं मिलता है तो इसके लिए गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर मैं जो काइन मास्टर यूज़ करता हूँ इसका लिंक दे दूँगा और इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है। उसके बाद गाइस, इसे आप एडजस्ट करके आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए और आपका जो एज है ना गाइस, इसे कुछ 4 कर दीजिए और आपका जो जूम है उसे 0 कर दीजिए और आपका यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। आपको बैक क्लिक कर लेना है, बैक पर आप क्लिक कीजिए। बैक क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके आप शेप पर जाइए, जा करके यहाँ पर ये वाला जो साइज है इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आप फीडर को फुल कर दीजिए। उसके बाद ना गाइस आप बैक क्लिक कीजिए। उसके बाद ना गाइस आप इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद ना गाइस आपका जो सेकंड बुकमार्क है वहाँ पर जाइए, जा करके आपको जो ट्रिम एंड स्प्लिट है ना गाइस, ट्रिम एंड स्प्लिट पर आपको क्लिक करना है एंड ट्रिम टू द राइट ऑफ प्लेट कर देना और इसे ट्रिम कर लेना। उसके बाद आपको स्टार्टिंग वाला पोजिशन पर जाना और चाबी वाला आइकन है ना गाइस साइड पे, चाबी वाला जो आइकन है गाइस उस पर आप क्लिक कीजिए और थोड़ा सा आगे जाइए, जा करके आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और आपका जो ये इफेक्ट है इसे कुछ इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर से थोड़ा सा आगे जाना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और आपको इफेक्ट को आपका जो कैरेक्टर है ना गाइस, कैरेक्टर का ऊपर में आपको ला करके कुछ इस तरीके से सेट कर देना। उसके बाद सेम थिंग गाइस, आपको थोड़ा फिर से सेट करके आपको फिर से है ना गाइस कुछ इस तरीके से आगे जाना है, जाकर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको पूरा क्लिप के साथ पूरा कुछ इस तरीके से कर लेना है। ऐसे ही सेम थिंग आपको ये जो इफेक्ट है इसके साथ कर लेना है। थोड़ा सा आगे जाना है, फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और फिर से आपको जो इफेक्ट है उसको आपका कैरेक्टर के ऊपर सेट कर देना है। फिर से थोड़ा इसे करके ना आपको जो ये इफेक्ट है ना पूरा कुछ इस तरीके से कर लेना है की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग ये सब कुछ कर लेने के बाद ना गाइस, आपको वापस बैक आ करके कुछ इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कि आपका तो की फ्रेमिंग कभी गलत नहीं हुआ। अगर गलत हुआ तो इसे फिर से एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, फिर से की फ्रेमिंग अगर अच्छा से आप की फ्रेमिंग को कर लेना है। ओके, उसके बाद ना गाइस आप फिर से लेयर पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए और आपका जो ब्लेज इफेक्ट है ना गाइस उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और गाइस आपका जो ये इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट आपको काइन मास्टर एज ए रजिस्टर पर मिल जाता है। अगर आपको काइन मास्टर एज ए रजिस्टर पर नहीं मिलता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं जो काइन मास्टर यूज़ करता हूँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और सॉरी गाइस आपको इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। ये इफेक्ट को ऐड करके आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना, आपका जो इनिमी वाला कैरेक्टर है उसका ऊपर में कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। गाइस सेट करके गाइस थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए और आप जो ये शेप पर जा करके आपका जो ये वाला शेप है थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है और ये वाला शेप मिलेगा, इस शेप को आप ऐड कर लीजिए और फीडर को फुल कर दीजिए। उसके बाद गाइस आप बैक क्लिक कीजिए और आपका जो ये इफेक्ट है ना, इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना आपका कैरेक्टर के ऊपर। सेट करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको जाना सेटिंग पर जा करके आपका जो नंबर रेफरेंस है उसे 7 कर देना है और आपका जो अमाउंट है उसे गाइस आप 6 या 5 कीजिए। उसके बाद आपका जो लाइन स्ट्रेंथ है उसे कुछ 170-180 कुछ इस तरीके से करना है और अमाउंट को 7 कर देना है। उसके बाद आपको स्पीड को 0 कर देना है, उसके बाद आपका जो इसे भी 0 कर देना है स्पीड को। उसके बाद आप बैक क्लिक कीजिए, गाइस बैक को एडजस्ट कर लेने के बाद ना गाइस आपका जो सेकेंड वाला बुकमार्क वहाँ पर जा करके ट्रिम एंड स्प्लिट पर आप क्लिक कीजिए और इसको आप ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। उसके बाद ना गाइस आप स्टार्टिंग वाला पोजीशन पर आ जाइए और चाबी वाला जो आइकन है उस पर आप क्लिक कीजिए, चाबी वाला आइकन पर। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है और ये जो इफेक्ट है आपका कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है जैसे आपने नियॉन एज इफेक्ट को किया था की फ्रेमिंग, उसे इसको भी करना है। थोड़ा सा आगे जाना है, फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है आपको और आपका जो ये इफेक्ट है गाइस इसे आपका कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसे करके पूरा क्लिप ये जो इफेक्ट है पूरा इफेक्ट को ब्लेज इफेक्ट को कुछ इस तरीके से कर लेना है की फ्रेमिंग जैसे आपने नियॉन एज इफेक्ट के साथ किया था।
और गाइस लास्ट में आकर के आपको ना बैग फिर से जाकर कुछ इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कि आपका तो ये जो सेट किया था इससे गलत तो नहीं हुआ। गलत हुआ तो आप फिर से एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। गाइस आपको चेक कर लेना है बार बार की फ्रेमिंग को गाइस, ओके। और आपको की फ्रेमिंग जो अच्छा से करना है, अगर आप अच्छा से की फ्रेमिंग करेंगे तो आपको अच्छा से क्लिप लुक देगा, ओके गाइस। उसके बाद ना गाइस आपका साइड में कोई एनिमी और है तो उसके साथ भी सेम कुछ इस तरीके से इफेक्ट को सेट करना है गाइस। और गाइस अगर आपका क्लिप लंबा है तो गाइस आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप उस क्लिप के साथ भी ऐसा कर लीजिए, ओके गाइस। सो गाइस आई होप कि ये जो ट्यूटोरियल ये आप सभी को हेल्पेबल लगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना है। एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।